दोस्तों ये है TMSC ऐप, ये टाटा मोटर्स की तरफ से आता है ये ऐप, और इसमें ऐप की मदद से हम जो है अपनी टाटा मोटर्स की किसी भी गाड़ी के बारे में जो है सारी डिटेल्स पता कर सकते हैं। स्पेशली जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये TMSC ऐप है, तो इसमें क्या होता है कि ये टाटा मोटर्स की किसी भी इंडिविजुअल गाड़ी की सर्विस से रिलेटेड हर एक डिटेल प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हो गई हैं, कौन सी सर्विस आने वाली है, साथ में सर्विस सेंटर्स की जानकारी भी देता है। इसके बाद वो ये भी बताता है कि आप अगर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं तो उस गाड़ी में किस सर्विस का कितना कॉस्ट लगेगा, और उसमें टाटा मोटर्स ने क्या रिकमेंड किया है कि आपको क्या क्या कराना चाहिए आपकी उस सर्विस में, मतलब कितने किलोमीटर में और कितने ईयर की सर्विस में आपको क्या चीज़ करानी चाहिए, ये सभी आपको इसमें मालूम पड़ेगा। साथ में इसमें यह भी पता चलेगा कि अगर टाटा मोटर्स की उस पर्टिकुलर गाड़ी में कोई पार्ट चेंज हो रहा है तो उस पार्ट की क्या कॉस्ट होती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही हम टाटा मोटर्स का ये TMSC ऐप ऑन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का एक प्रोफाइल दिखता है जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या यूज़र आईडी होती है और उसके साथ में इसका पासवर्ड होता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम गाड़ी टाटा मोटर्स के शोरूम से खरीदते हैं तो वो हमारा मोबाइल नंबर जो है वो टाटा मोटर्स के पास रजिस्टर करा देता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये चीज़ हर एक शोरूम वाला आपका नंबर जो है वो टाटा मोटर्स के पास रजिस्टर करा देता है। अगर मान लीजिए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा कि इसमें एक बाय डिफॉल्ट मोबाइल नंबर पड़ा होता है, फिर आपको कस्टमर केयर पे कॉल करके वो मोबाइल नंबर आपको रजिस्टर कराना होता है। हालांकि इस प्रोसेस में कई बार काफ़ी समय लग जाता है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मोबाइल नंबर मैं मेरे शोरूम वाले ने नहीं अपडेट किया हुआ था, तो इस ऐप में मेरा मोबाइल नंबर नहीं अपडेट था। तो फिर मैंने फर्स्ट सर्विस कराने गया, वहाँ बात करी, वो भी नहीं करा पाया। फिर मैं सेकंड सर्विस कराने गया, सेकंड फ्री सर्विस कराने गया, तो उसमें भी उसने नहीं करा पाया। फिर मैंने कस्टमर केयर का नंबर कहीं से निकाला और उसको डायरेक्टली हमने अप्रोच किया और लगातार अप्रोच किया, फिर जाकर के उसने TMSC ऐप के लिए मेरा नंबर जो है इसमें रजिस्टर कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास एक इंटरफेस आ जाता है। मेरी गाड़ी जो है वो टाटा अल्ट्रोज़ है, तो इसमें मेरी गाड़ी के बारे में ये कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको ये जो है मेरा व्हीकल दिखा रहा है, उसका गाड़ी नंबर वगैरह। फिर यहाँ पे व्हीकल डिटेल्स आप देख सकते हैं। जब आप पहली बार ये चीज़ कर रहे होंगे तो फिर आपके पास जो है ऐड व्हीकल का ऑप्शन आएगा, ये जो बगल में ऐड व्हीकल बना हुआ है इसका ऑप्शन आएगा और आपको अपना व्हीकल का गाड़ी का नंबर डालना होगा, या फिर उसकी चेंजेस नंबर डालनी होगी, या फिर ऐसी ही कोई इंजन नंबर की डिटेल, कुछ भी, मतलब ये दो तीन ऑप्शंस आते हैं, आपको उनमें से कोई भी एक ऑप्शन डाल करके आपको अपनी गाड़ी को ऐड करना होगा, आपको ऐड द व्हीकल करना होगा। लेकिन द एडिशन ऑफ दैट व्हीकल इज पॉसिबल ओनली आफ्टर योर मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड। अगर इस ऐप में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक आप जो है इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप शोरूम में गाड़ी खरीदते हैं तो आप वहाँ पर इसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लें। देखिए यहाँ पर ये जो भी सर्विसेज हुई हैं मेरी गाड़ी में वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे अगर मेरी गाड़ी की बात करूँ तो शायद जुलाई की थी गाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टाइम हो रहा है ये फर्स्ट फ्री सर्विस है, ये फर्स्ट फ्री सर्विस यहाँ पे दिखा रहा है 6 सितंबर 2020 की हुई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि फिर जो सेकंड सर्विस है, या यहाँ पर शायद ये सेकंड सर्विस ही होगी, ये सेकंड सर्विस, सर्विस हिस्ट्री, सेकंड फ्री सर्विस, इस तरीके से दिखा रहे हैं। साथ में ये कुछ अपडेट्स आती रहती हैं, जैसे कुछ अपडेट आई हुई हैं तो वो अपडेट कराने भी मैं गया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं। अब अगर जैसे मैं बात करूँ ये 25 नहीं, ये देखें ये क्या है, नेक्स्ट सर्विस का शेड्यूल दिखा रहा है, ये 25 दिसंबर 2021, ये वो सर्विस होती है जो 1.5 साल में जो एक माइनर सर्विस होती है वो। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो रिमाइंडर सेट करने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट सर्विस है 25 दिसंबर 2021, तो मैं यहाँ पे सेट द रिमाइंडर पे जाऊँगा, सेट द रिमाइंडर, नो डाटा अवेलेबल, फिर से सेट द रिमाइंडर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट सर्विस डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब लास्ट डेट इसकी जो है वो 25 दिसंबर है, तो लास्ट डेट 25 दिसंबर है तो हम यहाँ पर 20 दिसंबर सेलेक्ट कर लेते हैं रिमाइंडर के तौर पर। यहाँ पर टाइम वगैरह भी पूछ रहा है तो 10 बजे सवेरे का रिमाइंडर लगा देते हैं, ठीक है, ओके, एंड इसको सेव कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमें नेक्स्ट सर्विस का रिमाइंडर मिल जाएगा। हम वापस चलते हैं ऐप में, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। एंड ये क्या है, अप टू द डेट, जो ये ब्लू का निशान है वो अप टू द डेट है, यहाँ पर ये जो येलो निशान है वो ड्यू है, और रेड जो होता है वो लैप्स्ड के सिंबल में दिखाता है। तो ये देखिए ये जो हमारे पास ड्यू सर्विस है वो है 20 दिसंबर, वहाँ पर आ गया, और ये क्या है 25 दिसंबर का ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बुक द सर्विस कर सकते हैं। आप बुक द सर्विस में चले जाइए यहाँ पर। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये ऐप के थ्रू सर्विस बुक करने की बात कह रहा है, लेकिन नॉर्मली लोग तो जो भी नियर बाई सर्विस सेंटर होता है उसको फ़ोन कॉल करके ही वो जो है सर्विस बुक करा लेते हैं। अब जैसे हमने रिसेंटली जो है यहाँ पर सर्विस कराई हुई थी, तो ये रिसेंट का दिखा रहे हैं, फिर फेवरेट्स, फेवरेट मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया है, बाकी जो ऑल सर्विस सेंटर्स हैं वो डिस्टेंस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये दिल्ली के आसपास के जितने भी सर्विस सेंटर हैं वो आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर दिखने लगेंगे। तो ये हैं सारे सर्विस सेंटर, उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, जिसने डाल रखे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर उसका ब्लू में दिखा रहे हैं, और जिसने नहीं डाल रखा है उसका अपना नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ से सर्विस की बुकिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चलिए एक का करके ही देखता हूँ, नेक्स्ट सर्विस बुकिंग जैसे मुझे करनी है, तो ये सबसे नियर बाई है, तो मैं इसी में अगर करूँ तो कैसे कर सकता हूँ, ये आपको डेट और टाइम स्लॉट दिखा रहा है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर जिस दिन बंद रहता है वो है। कुल मिला के आप कर सकते हैं, अभी मुझे सर्विस नहीं करानी है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। बुक द सर्विस हो गई, फिर माई बुकिंग्स,
जो भी हमने बुक कर रखा होगा वो चीज़ हमें दिखाएगा। अभी हमने कोई सर्विस नहीं बुक कर रखी है तो नहीं दिखा रहा है। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में क्या है, यहाँ पर ये जो भी AMC वगैरह होती हैं, जैसे सिल्वर AMC है, तो उसका पूरा ये जो है ना पूरा डाटा दिखाता है कि सिल्वर AMC में वो क्या चीज़ें कवर करेंगे और क्या चीज़ें वो छोड़ देंगे, ये दिखाता है। अगर हम गोल्ड AMC के बारे में बात करें तो आप गोल्ड AMC देखिए। गोल्ड AMC में ये जितनी चीज़ें ये लोग कवर करते हैं वो सारा कुछ दिखाते हैं, और क्या चीज़ छोड़ देते हैं वो चीज़ भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर है प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट। प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट में क्या है, वैल्यू केयर करते हैं, उसमें ये चीज़ें क्या क्या कवर करते हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो AMC के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बात करते हैं EW। EW इज द एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वी विल ब्रिंग, ये इनका प्रोग्राम है। जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, फॉर द प्राइसिंग ऑनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सक्लूजन्स प्लीज़ विजिट टू दिस वेबसाइट। तो यहाँ पर हम उस वेब पेज पर भी जाके देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। एक्सटेंडेड वारंटी में क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। प्राइसिंग एंड टर्म्स यहाँ पर हर एक गाड़ी के लिए मिलेगा यहाँ पर। तो ये टियागो हो गया, पेट्रोल हो गया, ओके, जस्ट अल्ट्रोज की तरह है कि नहीं है, टिगोर आ गया, अल्ट्रोज आना चाहिए, अब नेक्सॉन वगैरह हो गया ये, ठीक है। जैसे अल्ट्रोज एक्सी पेट्रोल है, तो एक्सी पेट्रोल की जो एडिशनल 1 ईयर एंड अप टू 75,000 किलोमीटर विच वर इज़ अर्लियर, उसकी ये कॉस्ट है 4661, 5127 एंड 5593। ऊपर क्या कॉलम दिए थे जरा एक बार फिर से देखते हैं। ये अगर आप, हाँ, ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर 0 से 90 डेज में लोगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसकी वैल्यू 4025 रुपये है। लेकिन अगर 91 से 180 डेज के बीच में लोगे तो ये एक्सटेंडेड वैल्यू, जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे 400 रुपये इंक्रीज़ हो चुके हैं लगभग। फिर अगर आप 180 से प्लस डेज में जाएंगे तो एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपकी एडिशनल 1 ईयर और कुछ किलोमीटर्स जो भी आपकी गाड़ी में पहले से आता है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके देते हैं। अब अगर मैं फिर से अल्ट्रोज वाले में जाऊँ तो अल्ट्रोज का ये पेट्रोल मॉडल है, एडिशनल 1 ईयर आर अप टू 75,000 किलोमीटर, जो भी चीज़ जल्दी आ जाएगी उसकी जो कॉस्ट है 0 से 90 डेज, 91 से 180 डेज एंड 180 डेज से अबव, तो वैसे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो है बढ़ती जाएगी। लगभग यहाँ पे 4500 मान लीजिए तो यहाँ जो है 5500 रुपये हो जाती है। अगर हम ज़्यादा दिन बाद गाड़ी शोरूम से ज़्यादा दिन बाद खरीदने के बाद एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं तो कुछ इस तरीके की कॉस्ट रहती है। अब ये जो रेट्स हैं, GST एक्स्ट्रा लगेगा डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल है, ठीक है। तो ये है, तो ये तो 1 ईयर का हो गया। अगर हम 2 ईयर की बात करें, अल्ट्रोज एक्सी 2nd ईयर आर अप टू 1 लाख किलोमीटर्स, तो उसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो 8898, फिर 9788 एंड देन 10678 रेस। और इसके बाद अगर हम बात करें 2 ईयर्स OEM वारंटी प्लस एडिशनल 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर्स, तो उसकी जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो 13983, 15381, 16780 रुपये। तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप किसी भी वजह से एक्सटेंडेड वारंटी लेने का मन बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना वो एक्सटेंडेड वारंटी जो है जब आप गाड़ी शोरूम से खरीद रहे हैं तब ले सकते हैं, या फिर अपनी जो फर्स्ट सर्विस में आप जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्विस विदिन 60 डेज हो जाती है अल्ट्रोज में, तो जब आप फर्स्ट सर्विस लेने जा रहे हैं तब भी आप अगर एक्सटेंडेड वारंटी लेंगे तो आपको जो कॉस्ट मिलेगी वो मतलब ठीक ठाक कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद कभी लेते हैं तो जैसे 180 डेज से ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर 180 डेज से और ज़्यादा हो गया, या 90 से 180 डेज में रहेगा तो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर 180 डेज से ज़्यादा रहेगा तो उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप सारे प्राइसेस देख सकते हैं। यहाँ पर आप जो हैं एक्सटेंडेड वारंटी करके हम लोग आए थे, अभी हम वापस अपने टाटा मोटर्स के जो TMSC ऐप है उसमें आ जाते हैं, और ये वाली लिंक आप नोटिस कर सकते हैं, ये वाली लिंक आप यहाँ पे जो दी गई है उसको आप नोट कर सकते हैं, इससे आप खुद से जो है आप एक्सटेंडेड वारंटी देख सकते हैं। इसके बाद 24/7 में क्या है, ऑन रोड असिस्टेंस है, और 24 रोड ऑन रोड जो असिस्टेंस है उसका ये मोबाइल नंबर इन्होंने दे रखा हुआ है। इसमें इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रखी हैं कि जो विदिन वारंटी पीरियड अगर है, द सर्विस इज अवेलेबल टू ऑल द न्यूली परचेज व्हीकल्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर टिल द टाइम इट इज इन द वारंटी। तो जैसे 2 साल की वारंटी पे होती है गाड़ी तो रोड साइड असिस्टेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। फिर पेड प्रोग्राम आता है, फिर वुमन असिस्टेंस प्रोग्राम होता है। फॉर मोर डिटेल्स क्लिक द लिंक गिवन बिलो। जैसे अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करके जाऊँ तो उसमें क्या है, उसमें भी इन्होंने वही चीज़ बताई है। पहले ये हेल्पलाइन नंबर है इनका, और वारंटी पीरियड में कुछ इस तरीके से रहता है। वुमन असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर मोर डिटेल्स यहाँ पे है, प्रीमियम 6 मंथ, बेसिक 1 ईयर, प्रीमियम 1 ईयर। अच्छा, ये कुछ इन्होंने कॉस्ट वगैरह बता रखी है, GST 18%, कस्टमर प्राइस, स्कोप ऑफ सर्विस, मैकेनिकल, नॉन एक्सीडेंटल टोविंग, एक्सीडेंटल टोविंग, कैब असिस्टेंस, होटल एकोमोडेशन एंड टिकट, कूलिंग पीरियड 48 आवर्स, इस तरीके से इन्होंने चीज़ कर रखी है। अब ये ज़्यादा तो समझ में आ नहीं रहा ये क्या कह रहे हैं, बेसिक 6 मंथ की 347, प्रीमियम 6 मंथ 653, बेसिक 1 ईयर। ये GST छोड़ करके ये शायद एक्सटेंडेड वारंटी के लिए है, ये शायद वही उनकी कॉस्ट है, और ये कस्टमर प्राइस हो जाएगा। मतलब बेसिक 6 मंथ का मतलब ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। रिटेल न्यू प्राइसेस 2017।
शायद यही है, रोड साइड असिस्टेंस जो है वो 410 रुपये यहाँ पड़ेगी इन दोनों चीज़ों का सम करके होगा। फिर प्रीमियम 6 मंथ जो है इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे 770 है, बेसिक 1 ईयर इन दोनों को ऐड करके 900 है, और प्रीमियम 1 ईयर जो है वो यहाँ पर 1540 है। तो इस तरीके से है, इसको और डिटेल में समझा जा सकता है इस वेबसाइट पर जाकर के, और या फिर जब कभी जरूरत पड़े तो कस्टमर केयर में बात करेंगे तो खुद ही बता देंगे। तो ये वाला नंबर यूज़ करा जा सकता है। अब वापस आते हैं अपने TMSC ऐप में और यहाँ से पीछे जाते हैं। अब ये हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉस्ट कैलकुलेटर का। तो कॉस्ट कैलकुलेटर में क्या है, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग कर रहा हूँ तो जो सर्विसेज टाइप हैं, जैसे हम अगर हम फ्री सर्विसेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट फ्री सर्विस का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा, ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। अगर हम बात करें सेकेंड फ्री सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड सेलेक्ट नहीं हुआ था, सेकेंड सेलेक्ट करते हैं। ओ भैया सेकेंड कहाँ नहीं सेलेक्ट हो रहे हो, वापस ऑप्शन चेंज करता हूँ तब आएगा। फर्स्ट ना करके हम सेकेंड जानना चाह रहे हैं भाई। सेकेंड सर्विस कॉस्ट की भी, उसकी भी 0 रहेगी। अब इसके बाद वापस पेड में जाना पड़ता है, नहीं तो वो दोबारा दिखाता नहीं है। तो अभी मैं थर्ड फ्री सर्विस के बारे में बात करता हूँ और कॉस्ट एस्टिमेशन देता हूँ। अब एक्चुअली में ये है वो सर्विस कॉस्ट जो इन्होंने एस्टिमेट कर रखी है या फिर जो टाटा मोटर्स ने रिकमेंड कर रखा है कि जब आप अपनी थर्ड सर्विस कराने जाएं, थर्ड फ्री सर्विस कराने जाएं, तो आप क्या क्या चीज़ें आपको अपनी गाड़ी में कराना चाहिए। जैसे ये है व्हील बैलेंसिंग, ईच व्हील 5 टायर स्टेपनी को भी इंक्लूड किया है इन्होंने, 619 रुपये का। फ्रंट व्हील अलाइनमेंट चेक एंड एडजस्ट 826 रुपये। देन थर्ड फ्री सर्विस की कॉस्ट जो होती है वो 0 रहेगा। स्पेयर्स क्या होंगे, व्हील बैलेंसिंग वेट जो होता है वो 100 रुपीज़ का होता है। अगर आपने हमारा वाला वीडियो देखा होगा थर्ड फ्री सर्विस में, तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ 128 या 150 रुपये दो जगह ऐड करे थे, जबकि इसमें व्हील बैलेंसिंग के जो वेट हैं वो मात्र 100 रुपीज़ टाटा मोटर्स रिकमेंड कर रहा है। अब इसमें क्या है कि ऑयल फिल्टर जो है वो 171 का है, कंज्यूमेबल जो है वो तुम्हारे पास 3.5 लीटर का ये इंजन ऑयल यूज़ होता है तो वो 2019 रुपये का पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी, लेबर हो गया, स्पेयर्स हो गए और कंज्यूमेबल्स हो गए, इन सभी को ऐड करके जो है आपको 3735 रुपये की सर्विस कॉस्ट करनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा अगर आपका सर्विस सेंटर आपसे कहता है कि आप जो है ये भी करा लो वो भी करा लो, तो उसको एक बार ये वाला जो है ना ऐप में जाकर के आपको दिखाना चाहिए और बिना किसी बहस में पड़े हुए उसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें क्या है कि इससे ज़्यादा रुपये बनते ही नहीं है या थर्ड सर्विस में इससे ज़्यादा काम नहीं बनता है। अगर गाड़ी जेन्युइन तरीके से चली है, बिना किसी प्रॉब्लम के है गाड़ी, तो उसमें जो है फर्जी में वो और कुछ रिकमेंड करें और कुछ काम बताएं उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी जो 18 महीने में जो सर्विस होनी है, मतलब 1.5 साल में जो सर्विस होनी है, उसमें क्या कॉस्ट आती है। इसका नाम होता है माइनोर सर्विस, एवरी 7500 किलोमीटर में टाटा मोटर्स ने रिकमेंड करी है, या फिर 18 महीने हो जाएं या फिर ये 22500 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाए तो आपको ये माइनोर सर्विस करा लेनी है, और उसकी कॉस्ट जो है वो 1180 रुपये आने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस है वो 24 महीने में होनी है, उसकी कॉस्ट देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से ये कॉस्ट रहने वाली है, 6260 रुपये। ठीक है, 6260 रुपीज़ रहेंगे। इसमें फिर से वही आपका इंजन ऑयल और ब्रेक फ्लूड भी इसमें चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, व्हील बैलेंसिंग वेट्स आ गए, मेजर सर्विस है 15000 किलोमीटर 2301 रुपये मेजर सर्विस हो गई, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट चेक एंड एडजस्ट एंड व्हील बैलेंसिंग, ये जो है हर बार रिकमेंडेड होता है इनका। ठीक है, तो ये जो दूसरी सर्विस होगी वो इतने रुपए की होगी, 6260 रुपीज़ की। अब अगर मैं बात करूँ 24 महीने के बाद, फिर से 30 महीने, तो 30 महीने का मतलब 2.5 साल बाद, फिर से वो माइनर सर्विस 1180 रुपये की। इसके बाद 36 मंथ वाली जो सर्विस होगी उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 8104 रुपीज़ की रहेगी। आप फिर से इसमें बाकी जो भी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं आप उसे देख लीजिए, एंड दिस इज 8104 रुपीज़ की पड़ेगी, मतलब 8100 आप समझ लीजिए कि इसकी पड़ेगी। फिर 36 के बाद जो है वो 42 की वही माइनोर सर्विस 1180 रुपये की, फिर 48, तो 4 साल या 60000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होगी उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये 7108 रुपये इन्होंने बताई है। इसके बाद 54 महीने में जो है, 4.5 साल में अगर जो है उसकी बात करें, तो फिर से वही 1180। तो जितने बार भी माइनोर सर्विस होगी वो मतलब 1180 रुपये की है, और ये 5वें साल जो सर्विस होगी उसकी कॉस्ट है, और ये काफ़ी महंगा सर्विस है। इसमें व्हील बैलेंसिंग, फ्रंट व्हील अलाइनमेंट, मेजर सर्विस, फ्यूल मॉड्यूल, ऐसी ये जो है एक बड़ा चेंज है, 8180 रुपये का है ये। व्हील बैलेंसिंग वेट्स, ऑयल फिल्टर, GTX 1 लीटर क्रॉस 20, 2 लीटर 10, ये भी कुछ कंज्यूमर्स हैं, और ये सब इसमें ऐड हो रहे हैं, ये जाकर के 16523 रुपये का बनेगा। तो ये काफ़ी बड़ी सर्विस है, जो 5 साल बाद सर्विस होनी है, काफ़ी महंगी रहने वाली है, 16523 की पड़ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें फिर से, तो वही 1180। इसके बाद अगर हम बात करें 6 साल वाली जो सर्विस है वो कितने रुपए की होगी, वो फिर से 8328 रुपये की होगी, और जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ होनी हैं। इसके बाद 72 के बाद 78, मतलब 6.5 साल बाद 1180, और जो 7वें साल जो सर्विस होनी है उसकी कॉस्ट आप देख पा रहे हैं,
कुछ ये 6,036 रुपये जो है चार्जेस पड़ेंगे, 6,036 रुपये सातवें साल की। अब इससे आगे की डेट का भी अपडेट नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर हम टाटा मोटर्स की ये टाटा अल्ट्रोज हमारे पास होती है तो हम यहाँ पर ओनरशिप कॉस्ट देख सकते हैं कि इतना तो हमें गाड़ी में सर्विस कराना ही पड़ेगा। ये जितने भी हमने प्राइसेस आपको ऐड करके बताए हैं, इतनी आपको ऑथेंटिक सर्विस करानी ही पड़ेगी अगर आप टाटा मोटर्स की गाड़ी ऑन करते हैं। अब इसके बाद अगर आप सर्विस सेंटर आपको कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं बताता है तो आपका जो ओनरशिप कॉस्ट है वो इतना ही रहने वाला है, अदरवाइज आपको इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आपका ओनरशिप कॉस्ट हो सकता है, दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है, रनिंग रिपेयर्स। अब यहाँ पर हम ढेर सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं कि इसका जो हमारे पास रनिंग रिपेयर्स है, ये लेबर चार्जेस हैं इन सब चीज़ों के। अगर मैं एक एक करके सबको सेलेक्ट भी कर दूँ तो देखते हैं कि क्या चीज़ की रिपेयरिंग की क्या कॉस्ट है। ये हो गया ऐड टू रिपेयर। तो इसका जो लेबर चार्जेस हैं आप देख सकते हैं, मैं इंडिविजुअल चीज़ देख देख के तो नहीं बताऊँगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो खुद से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको धीरे धीरे स्लोली रोटेट कर देता हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें दिख जाएँ। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ इस तरीके से इन्होंने लगाई हुई है। हालांकि ये वो चीज़ है कि जब हमारे घर पे अगर हम देखते हैं कि भाई ये चीज़ की प्रॉब्लम आ गई है तो हम वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये सिर्फ अभी लेबर चार्ज है, स्पेयर पार्ट्स के चार्जेस नहीं है। अभी हम अगर हमें स्पेयर पार्ट्स के चार्जेस चाहिए तो वो क्या करेंगे, हम स्पेयर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम जो है वो अगर हम सारे स्पेयर्स सेलेक्ट करते हैं तो उन सभी स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, स्पेयर पार्ट्स की जो है कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। ये हम यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं सभी। और तब तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। टिल देन आई एम सेलेक्टिंग ऑल दीज पार्ट्स। आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। और जब हम इन्हें ऐड कर देंगे अपने रिपेयर वाले पार्ट्स में तो इन सभी की कॉस्ट जो है आपको निकल के सामने आ जाएगी। और इसमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ इंक्लूडेड है, मतलब शायद जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं और गाड़ी में कहीं ना कहीं लगे होते हैं ये सभी पार्ट्स। तो हम इन सभी पार्ट्स के जो हैं प्राइसेस जान सकते हैं इस ऐप के थ्रू। और स्पेशली हमने जिस गाड़ी के नंबर से हमने लॉगिन कर रखा है उस गाड़ी के बारे में आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। तो ये गाड़ी जो है वो टाटा अल्ट्रोज एक्सी पेट्रोल है। तो इस गाड़ी में लगे हुए जो भी पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट हम इस ऐप के मदद से जान सकते हैं। अब सभी ऐप्स को सेलेक्ट करना बहुत लंबा हो रहा है। आई होप अब तक आपने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मुझे मोटिवेट करता है कुछ और नए और स्पेशल वीडियोस बनाने का। और स्पेशली ये वीडियो बनाने का जो मोटिव मुझे समझ में आया था वो यहीं से समझ में आया था कि अगर हम गाड़ी ऑन नहीं कर रहे हैं और हमें बार बार हम पूछने का प्रयास करते थे लोगों से कि भाई क्या सर्विस कॉस्ट रहती है, तो अगर टाटा मोटर्स ने ये फैसिलिटी कर रखी है कि हम जो है गाड़ी की ओनरशिप कॉस्ट जो है, जैसे अगर कोई मान लीजिए उन्होंने 7 साल के लिए दिया हुआ था डिटेल्स, तो अगर हम गाड़ी को 7 साल तक अपने पास रखते हैं तो हमें क्या मिनिमम कॉस्ट जो है वो सर्विस के तौर पे खर्च करनी पड़ेगी, वो चीज़ हमें दिख जाती है। और साथ में जो है हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर दोस्तों इस ऐप की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी की सेकेंड हैंड टाटा की कोई कार ले रहे हैं तो उस कार ओनर से हम कह सकते हैं कि भाई आप अपना जो TMSC ऐप है उसके थ्रू आप हमें अपनी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड बता दीजिए। अगर आपका नॉर्मल सर्विस रिकॉर्ड कहीं खो गया है दैट डजंट मैटर, आप जो है किसी भी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड जो है उसके इस ऐप की मदद से जान सकते हैं। मुझे लग रहा है अनगिनत पार्ट्स हैं और उन अनगिनत पार्ट्स की जो है सिर्फ सिलेक्शन इतना लेंदी है, बहुत मुश्किल है। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ कि कौन सा जो है पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सभी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें मेरे पास अगर एक अच्छी सी बात हो जाती, अगर सारे पार्ट सेलेक्ट करने की बात कहीं पे होती तो मैं सेलेक्ट द ऑल कर देता, बट वो हो नहीं रहा है। और अगर हमें हर एक पार्ट की कॉस्ट जाननी है तो वो कैसे जान पाएंगे जब तक हम उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू सेलेक्ट ऑल दी पार्ट्स, ठीक है। हाँ, तब तक आप ये गेस करिए कि वाकई में इन सभी पार्ट्स की जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं जो गाड़ी की जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा ना निकल जाए। चलो देखते हैं कितने लाख रुपए के ये सभी पार्ट्स होंगे। ऑब्वियसली इसका बिल तो लाखों में आने वाला है। ये अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में भी नहीं है तो उससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी कितना बाकी है। मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं नीचे तक जाके आता हूँ।
ओ माई गॉड, फाइनली आई हैव सेलेक्टेड ऑल दी पार्ट्स। मैं इनको एट द रिपेयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो है अब मैं इसको स्लोली स्लोली इसको रोटेट कर देता हूँ। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे तो आप जो है पॉज करके देख सकते हैं कि हर एक पार्ट्स की क्या क्या कीमत है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ, ये सारे पार्ट्स हैं, कुछ सस्ते पार्ट्स भी हैं, गुड। ये क्या है, ट्रांस एक्सल असेंबली 1.2 लीटर ABS 67,000 की, बहुत महंगी। मैं महंगे महंगे आइटम देख रहा हूँ, एक कौन कौन सा आइटम काफ़ी महंगा है। AC कंप्रेसर काफ़ी महंगा होने वाला है, 18,158। एयर बैग ECU 4 लूप 6980। ओके, हार्डवेयर कंट्रोल मॉड्यूल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पचास हज़ार का क्या है, ट्विस्ट बीम असेंबली रियर, ट्विस्ट बीम स्ट्रक्चर असेंबली 14,000। ये सब बहुत महंगे आइटम है। ABS यूनिट, ABS 9.3, ये जो इसमें ABS वाली यूनिट है ना, ABS 9.3, बताया जाता है कि टाटा अल्ट्रोज में जो ABS सिस्टम है वो सबसे लेटेस्ट ABS सिस्टम यूज किया गया है। जैसे एंड्रॉइड सिस्टम के वर्जन होते हैं वैसे ABS के भी वर्जन होते हैं, और 9.3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन है ABS सिस्टम का। तो ये चीज़ हो गई, 14,967 रुपये की है। ओके, 72,000 APAS STG कॉलम असेंबली, काफ़ी चीज़ें कॉस्टली हैं यार इसमें। आपको किसी भी पार्ट की कीमत पता करनी है ना, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और किसी को भी ज़रूरत है इसको शेयर करें, क्योंकि एंड स्पेशली मान लीजिए कोई जो है जिसके पास अभी टाटा अल्ट्रोज नहीं है, वो ख़रीदने की सोच रहा है, हो सकता है उसको ये वीडियो काफ़ी मदद करे। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ तक भी अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओह माय गॉड, मैं कह रहा था कि ये काफ़ी लाखों रुपए में जाएगा बिल, तो इसमें लेबर तो उसने 17,048 रुपए ही ले रखे हैं। स्पेयर पार्ट्स आप देखिए कितने रुपए के हैं, ओह माय गॉड, 17 लाख का स्पेयर पार्ट्स, ओह माय गॉड, दैट इज़ वेरी कॉस्टली यार, वेरी कॉस्टली। दिस इज 18,10,120 के ये सारे स्पेयर पार्ट्स हैं। और क्या ये सभी स्पेयर पार्ट्स गाड़ी में लगे हुए हैं, और अगर लगे हुए हैं तो फिर उस हिसाब से फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं ये। एनीवेज, मुझे लगता है ये वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी रहेगी। अभी देखते हैं कि और क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास TMSC ऐप में। तो कॉस्ट कैलकुलेटर हो गया, रिमाइंडर जो हमने डाले थे, जैसे मैंने ये अपनी गाड़ी की सर्विस का रिमाइंडर डाल दिया है, तो ये मुझे उस समय शायद वहाँ से कॉल आएगी। यहाँ पे आपके पास सर्विस हिस्ट्री होती है कि आपने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सर्विस हिस्ट्री कराई है, तो ये उसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो सर्विस हिस्ट्री की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद ऐप में यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहा है, बाकी और कुछ खास है नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है कि आपके पास कुछ टिप्स देने के लिए होते हैं कि फ्यूल सेविंग टिप्स क्या हो सकते हैं, अगर आप देखोगे तो ये सारे फ्यूल सेविंग टिप्स हैं। नेक्स्ट, ये भी चीज़ें हैं। अब जो मतलब ज़्यादा जितना ज़्यादा रहेगा, जैसे ये है जनरल टिप फॉर प्रोलॉन्गिंग टायर्स लाइफ, अगर हमें टायर्स की लाइफ अच्छी रखनी है तो उसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, बस यही दो चीज़ें हैं शायद। मेंटेनिंग ऑफ वाइपर इन्होंने दी है, तो ये मेंटेनिंग ऑफ वाइपर हो गया। व्यू द मेंटेनेंस टिप्स, उसमें शायद जो भी मेंटेनेंस की सारी टिप्स होती हैं वो यहाँ पे बताएंगे। अब इतना खुलने में टाइम ले रहा है। अब ये सारी चीज़ें हैं, प्रिकॉशंस है, स्टेयरिंग है, ब्रेक्स हैं, बैटरी है, इंजन है, टायर है, एक्सटीरियर केयर, ट्रबल शूटिंग टिप्स एंड हाइजीन, सेफ्टी, वाइपर, इलेक्ट्रिकल अलर्ट्स, इंडिकेशंस, पार्ट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में। जैसे प्रिकॉशंस में क्या कह रहे हैं, चेकिंग ऑफ द विंड स्क्रीन वॉशर फ्लूइड, तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ये है यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, उसके बारे में आपको दिखाया है। ब्रेक्स के बारे में कैसे है, ये चीज़ है। अब आप इसको पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो। अदरवाइज जिसके पास गाड़ी होती है उसके पास ये ऐप होगा, तो सब लोग अपने अपने ऐप में भी पढ़ सकते हैं। इंजन के बारे में है, इंजन ऑयल यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं, इसको वापस ले आइए। फिर ये हो गया, फिर ये आ जाइए वापस। टायर्स के बारे में पहले दिखाया था उसने। एक्सटीरियर केयर कैसे कर सकते हैं, बॉडी एंड एक्सटीरियर केयर, ये सब कुछ है इसमें। ट्रबल शूटिंग इंजन नॉट क्रैंकिंग स्टार्टिंग, अगर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है। आखिरी में कस्टमर केयर का नंबर दे दिया है, कस्टमर केयर को कॉल कर लीजिए। इंजन क्रैंक्स बट डज नॉट स्टार्ट, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा।
प्रॉब्लम इन नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। कस्टमर केयर है, उसके लिए भी टिप्स ऑफ हाइजीन, गुड ड्राइविंग प्रैक्टिस क्या होती है, ये सब गुड ड्राइविंग प्रैक्टिस के ऑप्शंस हैं, बहुत कहानी है। किसी को इंटरेस्ट आएगा तो वो अपना पढ़ेगा इसे। जनरल टिप्स, डूज एंड नेक्स्ट, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। डोंट, ये चीज़ें नहीं करनी है, जैसे डू नॉट रिवर्स बैटरी कनेक्शन इल्स इट विल डैमेज सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें हैं मेंटेन करना। जनरल टिप्स मेंटेनिंग कुछ इस तरीके से, सेफ्टी, अवॉइड हाई स्पीड्स एंड शॉर्टकट्स आप अवॉइड करिए, है ना। ये नेक्स्ट है, यू मस्ट वियर योर सीट बेल्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल पी के नहीं करना है ड्राइव, फोन नहीं यूज़ करना है। एडवांस वार्निंग ट्रायंगल्स आपको रखने हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर वाइपर्स के बारे में, वाइपर्स को कैसे मेंटेन करना है, वो चीज़ यहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स ये आप कर सकते हैं। अलर्ट्स, ये सारी चीज़ों के अलर्ट्स होंगे, जैसे मैन फंक्शन इंडिकेशन होगा तो इस तरीके का अलर्ट होगा, ये एक अलर्ट होता है, ये भी एक अलर्ट है, ये भी एक अलर्ट है। ये सारे इंडिकेशन आएंगे आपके उसमें, हाई बीम, लो ऑयल प्रेशर, बैटरी चार्जिंग दिखाएगा यहाँ पे, पार्क ब्रेक का इंडिकेशन है ये, सीट बेल्ट वार्निंग है ये, एयरबैग स्टेटस है, इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग के बारे में आएगा, कूल एंड टेम्परेचर, एबीएस, नेक्स्ट लो फ्यूल। तो ये सारी वार्निंग्स आपके पास आएंगी। ये हमें लगता है सारी वही थी, आगे आगे नेक्स्ट होती चली गई हैं, तो ये सब लो फ्यूल का इंडिकेशन था। इसके बाद पार्ट्स के बारे में आएगा, इंजन ऑयल, नेक्स्ट ये टाइमिंग बेल्ट है यहाँ पर, ये ड्राइव बेल्ट है, कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट पाइप, स्पार्क प्लग के बारे में, एयर क्लीनर के बारे में आता है, फ्यूल फिल्टर है, ब्रेक कंपोनेंट्स हैं, इंजन ऑयल है, ये सारे हैं, इंजन ऑयल लास्ट है ना। तो इस तरीके की ये सभी मेंटेनेंस टिप्स आपको दी गई हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे माई व्हीकल, ये उसका होम पेज खुल जाता है माई व्हीकल करके। ये क्या है, लोकेशन, सर्विस सेंटर की लोकेशन ये आप लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे हैं, जैसे दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली में सर्विस सेंटर कैसे आएंगे, यहाँ पे सर्च, ये आपके पास लोकेशन है और आप यहाँ से पता कर सकते हैं सर्विस सेंटर के बारे में। जैसे ये देखो, उसी में नेक्स्ट सर्च करके आ जाएगा, ये सारे सर्विस सेंटर जो डेली वाले सर्विस सेंटर हैं उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, डॉक्यूमेंट्स, अब आप यहाँ पे ऑप्शनल है ये, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स, ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, अभी मैंने करे नहीं है लेकिन इसको कर सकते हैं। यहाँ पे PUC सेव कर सकते हैं, यहाँ पे RC सेव कर सकते हैं, ये दो चीज़ें तो कर सकते हैं, PUC, RC और इंश्योरेंस हमें यहाँ पे सेव कर लेना चाहिए। तो अगर हम कहीं पर भी अपनी, हमारे पास उस समय डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं अगर हमें कहीं ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो। माई प्रोफाइल है, अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन के लिए आप कोई वीडियो सबमिट कर सकते हैं, बढ़िया बात है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हीकल फाइंडर, इन्फो एंड अपडेट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि ये व्हीकल फाइंडर कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास व्हीकल फाइंडर, हमने क्लिक किया है, हम यहाँ पे फाइंड द व्हीकल वाले ऑप्शन में जाते हैं। इसमें ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखा रहा है, PSC 6 ब्लॉक में मैं रहता हूँ, तो इसमें क्या है कि गाड़ी जो है जस्ट हमारे ब्लॉक में पार्किंग में खड़ी हुई है, इसलिए वो एक मिनट की भी डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। बट इसे क्या है कि अगर हमको सही मायने में इसे टेस्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम गाड़ी से मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं और अगर इसके बावजूद भी फाइंड द व्हीकल करने से ये हमारे व्हीकल की लोकेशन हमें बताता है, तो इसका मतलब है कि हम इस ऐप की मदद से हम अपनी व्हीकल की लोकेशन पता कर सकते हैं। तो ये व्हीकल फाइंडर जो है मेरे हिसाब से काफ़ी यूजफुल फीचर है जो इस ऐप में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस TMSC ऐप के थ्रू बहुत ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं और अपनी गाड़ी को मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान दे सकते हैं कि कैसे कैसे आपको अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करना है। तो ये सारी जानकारी हो सकता है आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नया वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।